Hello guys, welcome to my channel. Today's topic is gametogenesis. So what is gametogenesis? The process whereby a haploid cell N is formed from a diploid cell, that is 2N, through meiosis and cell differentiation is known as gametogenesis. That means a diploid cell से haploid cells produce होने का जो process होता है उसी को हम gametogenesis कहते हैं। ये जो gametogenesis प्रक्रिया होता है वो meiosis cell division के माध्यम से संपन्न होता है। Gametogenesis in the male is known as spermatogenesis and produce spermatozoa, and gametogenesis in female is known as oogenesis and results in the formation of ova. That is, पुरुषों का गैमेट प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं एंड स्त्रियों का गैमेट्स प्रोड्यूस होने का जो प्रोसीडियर होता है उसको हम ओजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के माध्यम से स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस होता है एंड ओजेनेसिस प्रोसीडियर के माध्यम से ओवम और एग प्रोड्यूस होता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। The production of the male gametes, that is sperm, is known as spermatogenesis. That means, पुरुष gamete produce होने का जो procedure होता है, उसी को हम spermatogenesis कहते हैं। Males start producing sperm when they reaches puberty, which is usually from 10 to 16 years old. That means, पुरुषों का जो जब 10 to 16 years age होता है, तब वो puberty में पहुंचता है। ये प्यूबर्टी के समय में वो स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए एबल होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, दैट इज नियर अबाउट 200 मिलियन अ डे, टू मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड ऑफ स्पर्म रीचिंग द एग। दैट मींस एक पुरुष एक दिन में नियर अबाउट 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होता है जो एग को फर्टिलाइज करने के लिए रेडी होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है वो हम अब डिस्कस करेंगे। स्पर्म प्रोडक्शन ऑकर्स इन द टेस्टिस ऑफ द मेल, स्पेसिफिकली इन द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सो स्पर्म पुरुषों का जो टेस्टिस होता है उसके अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है उसी में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। The tubules are kept separate from the systemic circulation by the blood testis barrier. ये जो tubules होता है, that is seminiferous tubules, ये blood testis जो barrier होता है उसके माध्यम से systemic circulation से separate रहते हैं। The blood testis barrier is formed by Sertoli cells and is important in preventing hormones and constituents of the systemic circulation from affecting the developing sperm. ये जो blood testis barrier होता है वो Sertoli cells से produce होता है and ये sperm develop होने में एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण role play करते हैं। Now the process of spermatogenesis is as follows. The spermatogonia are the initial pool of the diploid cells present in the inside wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic cell divisions and increase in numbers and contain 46 chromosome. पुरुषों का male reproductive organ के अंदर जो diploid cells होता है उसको हम spermatogonia कहते हैं। ये जो spermatogonia होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन के माइटोटिक सेल डिवीजन के माध्यम से मल्टीप्लाई होता है एंड उसका जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है एंड ये जो डिप्लॉयड सेल्स होता है वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो डिप्लॉयड सेल्स होता है ये डिप्लॉयड सेल्स में कुछ डिप्लॉयड सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स completes the first meiosis 1 divisions, जिसको हम reduction division कहते हैं, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each. ये जो primary spermatocytes होता है वो meiosis
वन सेल डिवीजन के माध्यम से डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद वो टू इक्वल हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कैरी करते हैं। नाउ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोसिस, दैट इज मियोसिस टू डिवीजन, टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो अगेन मियोसिस टू के माध्यम से डिवाइड होता है, एंड डिवाइड होने के बाद 4 हैप्लॉइड इक्वल स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन इट रीचेस द लुमेन ऑफ द ट्यूबल्स एंड ग्रोस द फ्लैजेलम और टेल, इट इज कॉल्ड स्पर्म सेल्स। ये जो 4 हैप्लॉइड इक्वल स्पर्मेटिड्स होता है वो मैच्योर होता है, एंड वो उसमें फ्लैजेलम और टेल ग्रो करते हैं। मैच्योर और टेल ग्रो करने के बाद उसको हम स्पर्म कहते हैं। हियर इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस इज 2N, दैट इज स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ये 2N डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम सेल्स माइटोसिस सेल डिवीजन के माध्यम से डिवाइड होता है, दैट इज 2N 2N। ये जो 2N होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन के माध्यम से डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये 2N डिवाइड होने के बाद ANN होता है, एंड ये जो हैप्लॉइड सेल्स होता है फिर से मियोसिस 2 के माध्यम से डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद 4 स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करते हैं। ये 4 स्पर्मेटिड सेल डिफ्रेंसिएशन के माध्यम से स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं।